हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Asus ZenFone Max Pro M1 का एक यूनिक इशू और उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपने चैनल के एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि जब उन्हें कोई कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव कर लेने के बाद उनका मोबाइल जो है वो अपने आप ऑपरेट हो रहा है, यानी कोई ना कोई एक्शन जो है वो अपने आप दी जा रही है। हालांकि वो कोई ऑपरेट नहीं कर रहे तो भी अपने आप कोई कमांड दिए जा रही, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सोल्यूशन है, ये मैं आपको फिलहाल अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, अलग अलग सेंसर्स होते हैं। तो जिसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक काम होता है कि जब हम किसी से कॉल रिसीव करते हैं, कॉल आती है हमें, हम जब कॉल रिसीव कर लेते हैं तो स्क्रीन हमारा अपने आप ऑफ हो जाता है। जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, जैसे कि हमने फोन लगाया, हम वो सेंसर जब डिटेक्ट करता है तो अपने आप स्क्रीन को ऑफ कर देता है। तो एक्चुअल में ये कब ऑन होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये कब काम करना शुरू करता है, आमतौर पे जब कोई कॉल हमें आ रही हो, हमने रिसीव कर ली हो, या फिर हम किसी को कॉल लगाते हैं, फौरन सामने वाले ने नहीं भी उठाया तो भी वो ऑन हो जाता है। जैसे हमने नंबर डायल किया, मोबाइल नंबर डायल किया, फौरन जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो ऑन हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे ग्लास टेम्पर्ड हम यहाँ पर लगा लेते हैं, टेम्पर ग्लास लगा लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारा सेंसर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है ये टेम्पर ग्लास की ही है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आपका जो ग्लास है, जो प्रोटेक्शन ग्लास होता है ऊपर की तरफ जो है, उसे आप बदल के देखिए। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने कमेंट किया था हमें, उन्होंने ही कुछ दिन के बाद जो है वो रिप्लाई दिया कि मैंने जो है वो ग्लास को चेंज किया और मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। हालांकि इस पर ये डायलर का हमारा जो फोन ऐप है इसका भी इशू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अपने व्यूअर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया और कमेंट का हर कोई तो रीड करता नहीं है, रिप्लाई जो होते हैं या जो भी कन्वर्सेशन होता है, तो एक्चुअल में मैंने सोचा कि ये आपको वीडियो बनाकर ही बता दूं, ताकि अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो कोई और सोल्यूशन ट्राई ना करते हुए पहले अपना ग्लास चेंज करके देखे। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन सोचा कि यहाँ पर वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ, इसी के लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने आपको आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इसे करके देखिए, और क्या आपने आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं ये भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि और भी कोई यूजर अगर परेशानी में है तो इस सॉल्यूशन को देखकर वो अपनी परेशानी को हल कर पाए। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज मैंने आपको बताई है आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।